तो भाई एक ही बात है, चार अच्छे दोस्त, चार अच्छे लोग, अपनी टीम बनाओ। और एक बात बोलता हूँ, भले से तुम दिखने में कुछ भी दिखते हो, डज नॉट मैटर, अगर तुम्हारे पास में करने की ताकत है तो फटे करना। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जीरो लाइक जीरो फॉलोअर्स, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, क्योंकि ये जीरो है मैं भी जीरो, लेकिन जब पोस्ट होने के बाद फैन है भाई। अगर मेरे 1 करोड़ लोग भी मुझे ट्रोल करते हैं, जो मुझे ना पसंद करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 1 करोड़ में से अगर 1 लाइक भी मिला और 1 लाइक में 1 कमेंट मिला कि भाई तुम बहुत अच्छी वीडियो बनाते, लेकिन फिलहाल अभी मोटिवेशनल वैसा वीडियोस बन नहीं रही है, वैसे लोकेशंस नहीं हो रहे, इनो भाई तो कभी कभी हंसा देते। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ में। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो छोटे छोटे काम को जो है करते हुए आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा खासा नाम जो है उन्होंने हासिल किया है। दोस्तों टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार जीता था, लोगों का दिल जीता था, और टिकटॉक के बंद होने के बाद भी जो है उन्होंने जो है लोगों का दिल चुराना बंद नहीं किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इरफान सैयद जी की। तो आज हम इरफान भाई के बारे में जो है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उन्होंने कैसा इस चीज़ को जो है अपने ज़िंदगी में लाया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इरफान भाई से बात करेंगे। तो इरफान भाई स्वागत है आपका मुंबई स्टार न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। इरफान भाई कैसा लग रहा है आपको कि आपका नाम जो है आज लोगों की जुबां पर है, और हर बार जो है सोशल मीडिया जब भी खोला जाता है आपके वीडियो जो है नज़र आते हैं लोगों को, तो आपको कैसा फील होता है? फील तो बहुत अच्छा होता है, और उस फील का कहते हैं ना कि वो खुशी इतनी बड़ी होती है, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते उसके लिए, और काफ़ी मतलब वो चीज़ पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इरफान भाई सबसे पहला आपने जब वीडियो पोस्ट किया था तो क्या सोचकर पोस्ट किया है, कि मतलब ऐसे टाइम पास कर रहे थे आप, या मतलब आपको कुछ मतलब ऐसा आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट था, लोगों को मैसेज देना चाहते थे, क्या सोचा था आपने? पहली बात तो ये कि आप डब मैच का नाम सुने होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि डब मैच ऐसा था कि हम वीडियोस बनाते थे और ख़ुद ही सेव कर लेते थे, तो वो फेसबुक पे उसकी वीडियोस अपन डाल के थोड़ा मनोरंजन, और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो देखकर ऐसा लगता कि रियल में ही मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा। जैसा हम उसकी लिपसिंग करते हैं, कोई भी एक्टर की लिपसिंग करते हैं, तो ऐसा लगता कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो डब मैच वगैरह करता था, तो कोई ऐसा सोचा नहीं था। फिर उसके बाद खाली ऐसे पोस्ट करता था। जब आया था म्यूज़िकली, म्यूज़िकली जब आया था तो मैं डाउनलोड किया एक बार, फिर उसके बाद समझा नहीं, फिर डिलीट किया। फिर कई सारा एडवर्टाइजमेंट आता था कि हम वीडियो गेम खेलते थे मोबाइल में, तो उसके एडवर्टाइजमेंट आते थे। तो बहुत से पहले सबसे पहले मैंने अवैध दरबार को देखा कि मतलब उसके ऐड आ रहे हैं वो म्यूज़िकली में, फिर वापस से मैंने मतलब उसको डाउनलोड किया, तो समझ के बाहर था मैं, मतलब 2 से 3 बार डाउनलोड किया और डिलीट कर दिया, कन्फ्यूज़ हो गया मैं, डिलीट कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि मेरी बहन जो मेरी खाला की बेटी है सना, वो मेरे पास जब हम लोग घर पे थे तो बहन सब भाई लोग ऐसा हंसी मजाक कर रहे थे, तो उसने मेरे को बोली कि बोले भाई तुम एक काम करो, तुम है ना म्यूज़िकली बनो। बोला बेटा वो क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, और मैंने उसको समझा नहीं, वापस से मैंने डिलीट किया। तो उसने वापस उसने गई डाउनलोड करी, डाउनलोड करने के बाद उसने मुझे बताया कि इस तरीके से वीडियो बनाते हैं। हालांकि वीडियोस बनाने लिपसिंग करने तो पूरे आता है, लेकिन उसका जो स्टेप होता है वो कुछ पता नहीं था। तो सबसे पहला मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका ड्यूट था, अस्सलाम वालेकुम चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने वो सबसे पहले एक ड्यूट वाली वीडियो बनाई। तो मतलब वो वीडियो मतलब कैसा वायरल कैसा हुआ, और आपको मतलब क्या मतलब कैसे कैसा मतलब लोगों की तरफ से आपको क्या मैसेज आया कि भाई आपका वीडियो वायरल हो रहा है? नहीं, ऐसा पहली वीडियो में तो मुझे कुछ भी उसका रिस्पॉन्स इतना खास नहीं मिला, ना पहली वीडियो ना दूसरी वीडियो, इनफैक्ट 100 वीडियो में भी रिस्पॉन्स नहीं आया। कम से कम जाने के बाद 550 वीडियो बनाने के बाद, अब उसके दौरान एक से लेकर जो 550 की जो जर्नी थी वो काफ़ी कमर तोड़ वाली थी, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते थे तो मुश्किल से 10 व्यूज जाते थे, लाइक तो 2 या 3 ही होते थे। अब एक बार मैं सोचा कि मतलब मैं मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो यार, मतलब गिव अप कर देंगे करके, तो दिल में ऐसा आया कि बहन ने मेरे को एक बात बोली, भाई तुम कर लोगे, तुम मतलब कर सकते हो, तुम्हारे में वो टैलेंट है, कर सकते हो। मैं बोला यार मुझे नहीं लगता कि अपने से होने वाला करके, ठीक है कोई बात नहीं लिए। फिर उसके बाद मैं 4U पे जा रहा था, तो विलन की एक्ट आ रही थी। ओके।
तो मैंने दो तीन लोगों के विलन एक्ट देखे कि किस तरीके से लोग कर रहे। बस मैंने जब दिल में मेरा सिर्फ एक ही ख्याल आया, मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ कि हर एक के लोग अपने अपने तरीके से लिपसिंग करते, अपने अपने तरीके से एक्टिंग और चेहरे का फेस का एक्सप्रेशन देते। मैं जब उन लोग की वीडियो देखा ना, तो सबसे पहला तो मैं खुद हंसा क्योंकि क्या कर रहे हैं, बस ये क्या कर रहे हैं। एक्टिंग थी उन लोग की, लेकिन मेरे को खुद को बोलते ना, कहते ना कि तुमको कुछ ज़्यादा आता है तो दूसरों की चीज़ देखकर हंसोगे। तो उस टाइम पे मैं भी प्रिपेयर नहीं था, लेकिन मेरे को देखकर हंसी आई। पता नहीं वो हंसी किस बात की थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, गया गेटअप चेंज किया, तो सबसे पहला नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहली वीडियो थी, मैंने सोलो मारा था, स्केयर गेम का जो था सोलो मारा था, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। और उस टाइम पे मुझे 3 दिन के अंदर उस वीडियो में मेरे को 7,000 लाइक आए थे। फिर मैं समझा कि भाई मुझे करना क्या है, और मुझे मैंने वो चीज़ को मतलब पकड़ लिया कि मुझे भाई ये चीज़ मुझे करना है। तो मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने गुज्जर की वीडियोस बनाने लगे, तो मैं देखा, देखने के बाद अमेज़ोन खोला, अमेज़ोन में वाइट लेंस मंगाया और एक दूसरी लेंस। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद, जबकि वो ट्रेंड चला गया था, गुज्जर का जो ट्रेंड था चला गया था, कि जो अमेज़ोन से जो मैं वाइट लेंस मंगाने के बाद वो ट्रेंड चला गया था। जिस दिन आया वही दिन मैंने रात में एक आँख में लेंस पहना और एक आँख में दूसरी लेंस पहना, फिर गुज्जर की जो एक्ट किया, तो आज तक मेरे ख्याल से मैं वहाँ से लेकर अब तक पीछे पलट के देखा नहीं। ओके, तो मतलब आपके 2-3 व्यूज है जो है, आपने 2-3 व्यू आने के बावजूद भी जो आपने हिम्मत नहीं हारी, आप कंटिन्यू जो है इरफान भाई इसको मतलब करते गए, आपको मतलब ये लग रहा था कि कामयाबी आपके कदम इंशाल्लाह एक दिन चूमेंगी, और कामयाबी आपकी कदम चूमी भी। तो आपको इस वक्त में मतलब इस दौरान कितना वक्त लगा इरफान भाई? वक्त तो मुझे चीज़ देखने के लिए, आपकी कामयाबी मतलब आपके व्यूज़ बढ़ने के लिए, फॉलोअर के जो है फॉलोअर का प्यार आप तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लग गया? देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर तुम कहीं पर भी जाते हो, काम के लिए जाते हो, हर एक चीज़ तो सेक्रीफाइस नाम की चीज़ होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, वो तो सुने होगे। तो भाई अगर तुम कोई चीज़ पे सेक्रीफाइस नहीं करोगे कि भाई ये मुझे समझना है, कि भाई कोई चीज़ डायरेक्टली जाके तुमको मतलब तुमको पहचान, तुमको बढ़ावा नहीं मिलती हर एक चीज़ में, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। पहली बात तो समझना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है। तो वो चीज़ की जब तुमको जानकारी नहीं होगी तो तुम नहीं कर पाओगे। तो मैंने वही किया, मैं भी वही किया, और ध्यान में बस बाप की बात याद थी कि बेटा एक चीज़ है कि अब अगर तू कुछ मेहनत कर रहा है और अगर तू डिज़र्व है तो बेटा तू फटे, तू तेरी पूरी ताकत लगा देना, लास्ट तक तेरी ताकत लगा देना, वो चीज़ तुझे मिलेंगी, लेकिन दिल से करना। अगर जो चीज़ में तेरा दिल नहीं है ना, ऊपर से कर रहा ना, तो वो चीज़ करी मत। तो बस बाप की बात याद थी, और जो बोलते ना कि एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इरफान भाई, हमने देखा कि टिकटॉक जैसा एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर आप लोगों ने बहुत बहुत, आपकी टीम ने बहुत नाम कमाया, तो अचानक से टिकटॉक एक दिन ऐसा आता है कि मतलब भारत में बंद हो जाता है, तो आपको तब कैसा फील हुआ? देखो, पहली बात तो ये है कि भारत की गवर्नमेंट है, और जो गवर्नमेंट का आदेश वो तो सराखों है। हाँ, बस टिकटॉक बंद हुआ, हमें दुखी तो बहुत बड़ी थी कि भाई 11 मिलियन हम लोग नहीं कर रहे थे, और वेरीफाइड भी था मैं, और काफ़ी मेहनत थी, बहुत बड़ी बात होती है 11, मेहनत भी थी, इमोशंस थे और जर्नी थी। तो वो जब चीज़ ऐसा होता ना कि तुम खाना बनाए और तुम्हारे हाथ से तपेली गिर गई। वही चीज़ मेरे साथ में भी, मेरे साथ नहीं, इनफैक्ट पूरे भारत के जितने भी यूज़र्स थे सबके साथ वही हुआ। बट लेकिन एक चीज़ है कि भाई अगर जब बात देश की आती है तो हम देश के साथ खड़े। तो उसके बाद में आपने कौन सा प्लेटफॉर्म को मतलब? बहुत से प्लेटफॉर्म आए, फिर मैं MX टकाटक पे मैं काम कर रहा हूँ और अभी भी कर ही रहा हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे आया हूँ, और अभी यूट्यूब शॉर्ट, हाल ही में मैंने अभी यूट्यूब पे मैंने नया चैनल बनाया, दो महीनों में 7.5 लाख फॉलोअर्स भी हो गए मेरे विथ वेरीफाइड। और फेसबुक में भी मेहनत चालू है, और उसमें भी 5.5 लाख। जहाँ पर भी जाते हो लोगों का दिल चुरा लेते हो, है ना? ऐसा ही है मतलब? नहीं, कि नहीं, आपके फॉलोअर आपको मतलब कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो आपके फॉलोअर आपको फॉलो करके वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसा, जैसा रोड पे ऐसा चलते रहते, कहीं पे मॉल वगैरह पे भी जाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये वीडियोस बनाता है, ये रील्स बनाता है, ये यूट्यूब बनाता है। हाँ, ये मेरा एक सवाल यही था, मेरा सवाल कि
आपको ऐसा कब फील हुआ कि जैसा कि आप अभी हमने आपका एक वीडियो देखा था, आप अजमेर गए थे तो आपके साथ में लोग मतलब सेल्फी निकालने के लिए मतलब बहुत आपको रोक रहे थे, मतलब आपका एक आपके साथ फ़ोटो उतारने के लिए मतलब मर रहे थे, तो आपको मतलब ऐसा फील मतलब कैसा फील होता है जब लोग आपको मतलब देखते हैं कि यार ये एक सेलिब्रिटी टाइप आदमी है, तो मतलब कैसा फील होता है आपको? वो फील ऐसा होता है कि तुम भी उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इतनी खुशी होती है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और काम का जो मेहनताना मिलता है वो असल मेरा मेहनताना है। ओके, वेरी गुड। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जनता का इतना प्यार और मतलब आपके जो फॉलोअर है आपको इतना चाहते हैं। इरफान भाई, हमारा दूसरा सवाल ऐसा रहेगा कि आपका मतलब पहला काम, आपकी ज़िंदगी का पहला काम कौन सा था और आपकी सैलरी कितनी थी? पहला काम तो अब पता नहीं, मेरे माँ बाप भी अगर ये इंटरव्यू अगर देखते होंगे तो शायद ठीक है, बोलना तो ज़रूरी है, वो बचपन की बात थी। तो मैंने मेरे डैडी के जेब से 1 रुपया चोरी किया था। अच्छा छोटा था, 1 रुपये में तो सब बचपन में मैंने 1 रुपया चोरी किया था। चोरी करने के बाद वो गोटी खेलते ना, वो गोटी खेलने के बाद देखिए पैसा कमा लेते इंसान अपना सब पैसा, तो भाई उस टाइम पे मैं 4-5 रुपया कमा लिया था। और वो उस टाइम पे उस वक्त की बहुत बड़ी बात थी। अब वो उसके बाद मेरा मतलब मुझे लगा कि भाई हट जाना चाहिए, मैं हट गया, मैं आगे खेला भी नहीं। अब वो जेब में पैसे थे और काफ़ी दिन तक चले वो पैसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई अभी आज के टाइम पर अगर अपने पास 50,000 या 1 लाख रुपया रहेगा तो तुमको और मेरे को क्या फीलिंग होगी? बराबर, हाँ अपने लिए उतना, अपने लिए उतना है। तो उस टाइम के लिए बच्चा था, तो उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैंने देखा कि भाई जेब में है पैसे, घर ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, मज़ा आ रहा। फिर उसके बाद लास्ट में ख़त्म होने लगे, तो मतलब फिर क्या करना चाहिए, मतलब वापस से चोरी, तो मतलब ये सब अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त का भाई है ना, वो उस टाइम पे संडे के दिन पैसा गिन रहा था, और संडे का माहौल तुमको पता ही कि भाई बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, मतलब बच्चे लोग बाहर पतंग वितंग गोटी वेटी हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते। तो मैं उसको पैसे गिनते हुए देखा, तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये पैसा तूने कहाँ से लाया करके? तो उसने बोला काम करके। मतलब क्या काम? तो उसका सवाल करने लगा, तो उसने मेरे को हालाँकि उसने मुझे जवाब भी दिया वैसा, तो बोले तू क्या करेगा, बस इतना पूछना ही था। फिर उसके बाद पहले अपने चिराग में जरी का ट्रेन था, बहुत लोग जरी, हर एक घर घर में जरी का था, तो जरी के काम पे बैठ गया था, कुछ ना कुछ। तो वहाँ से हफ्ते का 10-5 रुपया मिलता था, वो रखता था, अच्छा लगता था। माँ को दिया सबसे पहला, उस टाइम पे जो पैसा आया तो माँ को ही दिया। फिर उसके बाद बैग का भी काम किया, फिर वेल्डिंग का काम किया, रोड पे ड्रिल भी किया। तो वो करते करते फिर उसके बाद कॉलेज भी पढ़ा, कॉलेज पढ़ने के बाद फिर मैं डैडी के काम पे चले गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। फिर अच्छा, अच्छी ज़िंदगी चली। अब आपकी इनकम इरफान भाई कितनी है? इनकम अच्छी खासी है, घर चल जाता है भाई। नहीं मतलब एक लोगों को मतलब एक नॉलेज होना चाहिए कि एक बंदा एक छोटी सी उम्र से जो एक मेहनत करते हुए आ रहा है, तो इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके, सोशल मीडिया पर आकर इतनी मेहनत करके अपनी टीम के साथ, आज उसको कितनी कामयाबी मिली, जनता ये जानना चाहती है। पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़, आज मैं यहाँ निहत्था खड़ा हूँ, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, ये निहत्था खड़ा हूँ तो मैं अपने बल पे नहीं खड़ा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हर एक किसी ना किसी लोगों का योगदान होता है, फैमिली से, तो पहले बात तो मेरे घर वालों से, मेरा घर का सपोर्ट पहला, सबसे पहला इम्पोर्टेंट वो होता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं घर से सपोर्ट के बाद फिर अपनी एक टीम होती है, जो मेरी टीम है, मेरे लोग हैं यहाँ पर ही खड़े हैं मेरे, और आज मैं जो भी हूँ, तो जो भी हूँ मैं मेरी टीम के बेस पे हूँ, मैं उनकी बुनियाद पे हूँ। तो कहते हैं ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं फेम तो हो गया, लेकिन वो पीछे के लोगों को नहीं। आपकी टीम के साथ में ज़रा जनता को तारुफ कराएंगे इरफान भाई? तो भाई ये मेरी टीम है, ये मेरे लोग है, कैमरा मैन भी ये लोग है, करते हैं लोग भी काम। तो भाई ये है हमारे महफूज भाई, ओके, और ये हमारे रिजवान भाई रिहान। तो ये सब कैसा है कि हम लोग ये टीम के साथ में, इससे पहले कोई दूसरी टीम थी, मतलब कहते हैं ना कि चेंजेस होते थे, तो मुझे लगा कि भाई अब अपने लोगों के साथ करना चाहिए, अपने वालों के साथ करना चाहिए, तो मैं मेरी टीम के साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, इरफान भाई अपने फॉलोअर को और अपने फ़ैन को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए मेरे, पहली बात तो मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मेरी फैमिली है, जो लोग हैं तो मेरी फैमिली है,
और पहले उन लोग से मैं एक ही चीज़ करता हूँ कि भाई अगर तुम लोग को अगर वीडियो ही बनाना है, देखो बहुत लोगों का पेशेंस वीडियोस का नहीं होता, मेरा वीडियो का पेशेंस नहीं था, मेरा कुछ और था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स में मैं कॉन्ट्रैक्टर था, अच्छा खासा मेरे 15 से 17 साल के एक्सपीरियंस थे उसके मेरे, फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा काम कम होने के बाद फिर जैसा ये एक टाइम पास की चीज़ थी और वो टाइम पास की चीज़ आज मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया तो बट आज मैं छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब इरफान भाई देखो हमें पता है कि आप मैरिड हो, आपकी भी फैमिली है और आपका जॉब भी है, काम भी है, आप बिजनेस भी संभालते हो। अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, बिजनेस भी संभालते हो और आपकी और फिर उसके बावजूद भी जो है ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये मतलब कैसा कर लेते आप? पहली बात मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। सबसे चीज़ तो ये कि देखो अभी ये बंदा अगर वीडियो बनाने आता है तो भाई ये भी अब बहुत सी चीज़ सक्रीफाइस कर रहा है, इसके घर से घर में बहुत सी चीज़ें हो रही है, कुछ घर में छोड़ते नहीं है वीडियोस के लिए, इनकी भी बात वही है, इनका तो छोड़ दो ये तो हमारे साथ ही है। तो खैर मतलब एक कुछ ना कुछ भाई कोई चीज़ अगर करने के लिए तो वो चीज़ बोलते ना कि इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। और रही बात मेरे फॉलोअर्स के लिए मैसेज, तो भाई मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर तुम लोग को सिर्फ वीडियो करना है तो भाई एक ही बात, चार अच्छे दोस्त, चार अच्छे लोग, अपनी टीम बनाओ। और एक बात बोलता हूँ, भले से तुम दिखने में कुछ भी दिखते हो, डज नॉट मैटर, अगर तुम्हारे पास में करने की ताकत है तो फटे करना। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, 0 लाइक 0 फॉलोअर्स, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, क्योंकि ये 0 है मैं भी 0 हूँ, लेकिन जब पोस्ट होने के बाद फैन है भाई, तो भाई तुम लोग है जो भी बढ़ाने वाले तुम लोग है। तो भाई हम लोग जो वर्क करते हैं, कोई भी वीडियोज़ करते हैं ना, मैं इन लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, 0 लाइक 0 फॉलोअर्स, मैं तुम्हारे लिए सेम हूँ, तुम मेरे लिए सेम, कोई बड़ा नहीं, ये हमारी टीम की यूनिटी है, हमारे लोग हैं, तो भाई हम ये काम करते हैं। हाँ इरफान भाई, इसके साथ साथ आपके जिम का क्या शेड्यूल है? जिम का शेड्यूल एक्चुअली कैसा है कि जिम अच्छा कर रहा था तो पिछले 2 महीना पहले मेरा शोल्डर उतरा था, तो हैवी एंटीबायोटिक की वजह से, तो अभी वैसा डाइटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मंडे से वापस है जिम, तो जिम भी चालू कर। ओके, तो इरफान भाई देखो कैसा है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है कहीं कहीं पे कुछ लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और कहीं कहीं लोग बुरे कमेंट्स भी करते हैं, तो बुरे कमेंट्स देखने के बाद में मतलब आपको कैसा, मतलब मैं एक्चुअली कैसा है कि ये सवाल बहुत ही अच्छा था, और अगर ये सवाल तुम नहीं करते तो मैं ये सवाल का जवाब मैं तुम्हारे बोलने से पहले देता। तो मेरी एक बात याद रखो, एक होता है कि ट्रोलिंग, ये जो आप कमेंट्स की जो बात करते हो, जो फॉलोअर्स की बात करते हो, जो अपने फॉलोअर्स है वो अपने, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो न्यू आते हैं, जो ट्रोल करते हैं, तो भाई ट्रोलिंग के लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अब अगर मेरे 1 करोड़ लोग भी मुझे ट्रोल करते हैं, जो मुझे ना पसंद करते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 1 करोड़ में से अगर 1 लाइक भी मिला और 1 लाइक में 1 कमेंट मिला कि भाई तुम बहुत अच्छी वीडियो बनाते, तो भाई 1 करोड़ गई भाड़ में, वो मैं 1 के लिए वीडियो बनाऊंगा भाई तो फिर तुम वैसे भी नहीं रोक सकते, करो ट्रोल। मतलब एक आपका फ़ैन जो है करोड़ के बराबर है। इरफान भाई, हमने देखा है कि पहले आप क्रिकेट खेला करते थे और अचानक से जो है आप क्रिकेट से दूर हटकर जो है इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, क्या रीज़न था क्रिकेट जैसा एक मतलब खेल को मतलब दूर करना और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना? पहली बात तो क्रिकेट ऐसा था कि एक तरह से हमारी जान थी, मतलब ऐसा था कि आपके शॉट्स देखने के लिए लोग मतलब ऐसा वेट करते थे कि भाई इरफान भाई आ गए, अब बोले कुछ ना कुछ तो छक्का चौका लगने वाला है। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिली, लेकिन इज्जत के साथ साथ में इंसान रुसवा भी होता है, बोलते ना कि जब तक तुम्हारा फॉर्म रहता है तो तुमको पूछते हैं, और उसके लिए क्रिकेट के लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ता था, अच्छा खासा प्रैक्टिस होनी चाहिए रहती, लेकिन ऐसा मतलब हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, हमारी टीम जो एक पूरे चिता गेम में अगर कोई टीम अगर एक यंग जनरेशन की अगर जो छोटी टीम में अगर जो रिवोल्यूशन लाने वाली, तो एक हमारी वाहिद टीम थी नूरानी, वो तो आप जानते भी होंगे कि सब छोटे छोटे लोग थे, हम भी छोटे छोटे थे, बट वो एक रिवोल्यूशन था, बहुत ज़बरदस्त था। और फर्स्ट एंट्री में हम लोग को फाइनल देखने को मिला, एक नहीं दो फाइनल देखने को मिला, फिर जैसे कि कंटिन्यूसली हम लोग उस टाइम पे प्रैक्टिस पे थे, फिर काम पे लग गए, शादी हो गई, धीरे धीरे प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम होने लगी, काम का प्रेशर ज़्यादा होने लगा, फिर हम वो क्रिकेट भी धीरे धीरे छोड़ गया। तो फिर मैंने जब मेरा
मन हो गया कि भाई खैर अभी छोड़ देना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। तो जैसा जैसा छुट्टे छुट्टे लास्ट में जैसा फिर टिकटॉक पे आ गया, तो बोलते ना एक तरह से क्रिकेट को कम कर दिया, फिर टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो फिर वो रीज़न है कि मैं टिकटॉक पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करूँ कि भाई एक चीज़, दोनों एक चीज़ पे नहीं कर सकता, कोई एक चीज़ पे करूँ। तो मैंने वहाँ पर क्रिकेट को छोड़ के मैंने फिर टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को, मैं शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं मेहनत करना शुरू किया। माशाल्लाह। तो इरफान भाई, जनता जो है, एक यूथ भी होती है ना, जो एक वो जनता होती है, जो जवान लड़के लोग जो है हमारे, और जवान लड़कियाँ हैं हमारे माहौल की, हमारे मोहल्ले की, या पूरे बम्बई की बोलो, पूरे भारतवर्ष की बोलो, है तो आज कुछ लोग जो है, हमारी युवा पीढ़ी जो है ना, कुछ अलग रास्ते पे जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, इन्जॉयमेंट की तरफ जा रही है। तो मतलब ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे जवान यूथ को आप क्या मैसेज दोगे अरफान भाई? मैं एक ही बात पे ये पॉइंट करता हूँ, क्योंकि जब देखिए जो नशे की जो चीज़ें हैं, तुम भी बचपन, तुम भी वहीं उठे बैठे, हम भी वहीं उठे बैठे, और होता है वो अपने ऊपर, कंट्रोल अपने ऊपर होता है कि हम उसको किस तरीके से हम रहना चाहिए उसके साथ में। हाँ, आज की जनरेशन, वो छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ मैं, 18 साल की उम्र, और उससे भी कहीं नीचे की भी उम्र वालों को मैंने अभी उसमें, मैं बोल तो नहीं सकता, मैंने खुद सामने देखा, लेकिन गलत है। और सबसे पहली चीज़ है कि भाई अगर तुमको कोई चीज़ की अगर ज़रूरत है, अगर तुमको अगर कोई चीज़ तंबाकू चाहिए, तो तुम कहाँ जाते हो? पान पट्टी। ऑब्वियसली कि भाई पान पट्टी पे मिलता है ना। तो अगर उसको, अगर सरकार अगर बोलती है कि इलीगल है और वो पान पट्टी पे मिलना बंद होगा, तो तुम पान पट्टी पे जाओगे वो लेने के लिए? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई वो चीज़ आ कहाँ से, बिकना बंद होना चाहिए, वो चीज़ आ कहाँ से रही है। और लत इतनी बुरी हो चुकी है कि मतलब छूटे से भी ना छूटे, छोड़ने से भी ना छूटे, वैसा है। तो मतलब ये बहुत, एक टाइम पे बहुत बोलते कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बड़ा स्कैम वगैरह जो भी बोलते हैं इसको, तो बस की बात नहीं। लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि भाई दूर रहो, काम पे ध्यान दो, जो तुम्हारा वर्क है, अपनी ज़िंदगी समझो कि भाई ज़िंदगी क्या है। आज उन लोगों के पास जो, जिनके पास पैसे भरपूर है, लेकिन उन लोगों के पास ज़िंदगी नहीं है, होते हैं ना कि भाई हमको थोड़ी बहुत अगर और भी ज़िंदगी मिलेंगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो कमा लिए, कमाने वाले कमा लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को समझो, और तुम किसके लिए इम्पोर्टेंट हो सबसे पहली चीज़ देखो। आप एक बच्चा घर वालों माँ बाप की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो, अपनी ज़िंदगी ऐसी ख़राब मत करो चंद नशे के लिए। चलो इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युवा पीढ़ी को एक मैसेज देने के लिए। इरफान भाई, हमारा एक आखिरी सवाल ऐसा होगा कि आप कभी भाई बनते हो, कभी गुंडे बनते हो, कभी कॉमेडियन बनते हो, मतलब ये टैलेंट मतलब कहाँ से आया आप लोगों के अंदर? आपकी पूरी टीम जो है एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक बोलते ना कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है आप लोगों की, और मतलब कैसा मतलब ये टैलेंट मतलब आया, और मतलब क्या कॉन्सेप्ट लेके आप लोग ये चीज़ सब? देखिए सबसे पहली आता है सब दिमाग देखो सबसे पहली चीज़ है कॉन्टेंट। कंटेंट जो एक कहते हैं ना कि एक क्रिएटिविटी स्टार क्रिएटर, तो मतलब आज ये जो जितने लोग खड़े हम एक क्रिएटर हैं। तो मुझे, मैं एक्चुअली जब शुरू किया था टिकटॉक, तो भाई गिरी के ज़्यादा वीडियोस थे मेरे, और काफ़ी उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मुझे उसमें सफलता भी मिली, प्यार मिला ऑडियंस का, और वो आज भी मेरे को ऑन डिमांडिंग चल रही है, पब्लिक डिमांड है कि हाँ वो वापस से वो चीज़ वापस लेके आओ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कॉमेडी, मैं सबसे ज़्यादा, मुझे कॉमेडी सबसे ज़्यादा पसंद है, और इमोशनल एक्ट जो मेरे कंटेंट होते हैं, वो मोटिवेशनल जो मैसेज के, तो ये दो चीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि ये करूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मोटिवेशनल वैसा वीडियोस बन नहीं रही है, वैसे लोकेशंस नहीं हो रहे, इनो भाई तो कभी कभी हंसा देते तो मतलब उस तरीके का मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर आप देखो, मैं इंस्टाग्राम पे उस तरीके का पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं पता नहीं उसको क्या पसंद है, उसके एल्गोरिथम को क्या पसंद है, हमें भी पता नहीं है, क्योंकि हम इतनी अच्छी वीडियोस डालते हैं, उसके हिसाब से लाइक नहीं मिलते, व्यूज़ नहीं मिलते। लेकिन आज क्रिंज कंटेंट को इतना ज़्यादा व्यूज़, इतने ज़्यादा लाइक, तो पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से एक बात बोलूँगा कि इंस्टाग्राम हम लोग जैसे लोग के लिए नहीं है, हम लोग जैसे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों को हमारा इंटरटेनमेंट, असल इंटरटेनमेंट अगर देखना है, तो भाई यूट्यूब शॉर्ट देखो,
और फेसबुक रील्स है और फेसबुक में अच्छी अच्छी वीडियोस आती, तो वो देखो, उसमें अच्छे अच्छे तुमको कंटेंट मिलेंगे कि भाई कंटेंट बेस वही हो, एक्चुअल क्रिएटर वही हो। गाली देना, गाली दे के वीडियो बनाना, तो ये क्रिएटिविटी नहीं होती है भाई। मेरे को मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि भाई वो क्रिएटिविटी नहीं होती, मेरा ओपिनियन। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई हमारे साथ में ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए। तो इरफान भाई, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और भाई क्या नाम है, मुंबई स्टार न्यूज़। तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स है, मेरे फैन, सॉरी फैमिली बोलता हूँ मैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ निकलता है। तो भाई देखो, कोई कोई भी चीज़ के लिए, कोई एक वीडियो के लिए भी हों दो या 10 सेकेंड की वीडियोज़ भी हों दो, तो भाई मेहनत तो लगती है। मोबाइल का कैमरा, उसका चार्जिंग, उसका डेटा, फिर वॉइस के लिए ब्लूटूथ, फिर वो आदमी, फिर इतने लोग के जो एक टीम के लोग एक पकड़ के एक बोलेगा हेलो, वो तो जो भी है कि एक वीडियो बनने के लिए भी मेहनत लगती है, अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो देखो, ये बेचारा कब से भाई माइक लेके खड़े, तो यार फॉलो सब्सक्रिप्शंस बनता है यार इनका, तो प्लीज़ यार इनको इनको भी फॉलो करो। और क्योंकि ना बहुत लोग इसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं कि भाई कम से कम फेम तो नहीं, कि कुछ चीज़, अभी हम तो फेमस होने के लिए वीडियोस बनाते, वो चीज़ प्लेटफॉर्म दर्शाता भी है, तो ये कैसा है कि ये न्यूज़ बताते, ये हमारे माशरे की न्यूज़ बताते कि भाई चल क्या रहा। तो भाई हमारे चिता गेम वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई जितने लोगों के घर में फेसबुक है, यूट्यूब है, बस स्लाइड मत करो भाई, पूरी वीडियो भी देख के खाली क्लिक भी कर दो कि भाई लाइक भी कर दो, सब्सक्रिप्शन भी कर दो, कि ताकि इनको आर्थिक मदद भी मिले और इनका काम अच्छा चलते रहे। तो भाई ये तुम्हारी एक लाइक, तुमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाली एक पूरी वीडियो देख लो, घर पे तो वाईफाई रहता ही है और जियो जिंदाबाद फ्री का देखो, तो भाई इनको बहुत हेल्प भी मिल जाएंगी इनको, या सब जितने लोग है, बहुत लोग काम करते, तो उनका एक आज ये चीज़ जो कर रहे हैं, मतलब एक चिता गेम के लिए भी जो कर रहे हैं, न्यूज़ बता रहे, तो भाई अपने वाले ना यार, सपोर्ट तो बनता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, देखा हमारे साथ में इरफान सैयद जी जो है मौजूद थे, उनकी टीम मौजूद थी यहाँ पर, कैसे इन्होंने इतना स्ट्रगल किया बचपन से ले के बड़े होने तक के, किस किस चीज़ों से वो उनको गुजरना पड़ा, और आज जो है इनके हाथों जो है कामयाबी लगी, इनकी टीम के हाथों जो है कामयाबी लगी है। दोस्तों, ऐसी ही खबरें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन शुएब के साथ में मैं नूर।